आज का भारत दुनिया के लिए चुनौती है, दुनिया के लिए आदर्श है। जब आप व्यक्ति की पॉकेट में कुछ डालते हो, उसकी निर्भरता को आप बढ़ाते हो, कानून से बढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ नमिता दीक्षित। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विकलांगता वैश्विक संसाधन केंद्र के 2 दिवसीय उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बता दें, विकलांगता पर आयोजित हुए 10वें राष्ट्र सम्मेलन के दौरान इस सोर्सेस सेंटर का उद्घाटन भी किया। मंच पर भाषण देने के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारत के पुराने दिनों और कमजोर अर्थव्यवस्था को याद करने के लिए भावुक हो उठे। इसके साथ ही उन्होंने भारत की विश्व पटल पर बढ़ती धाक और दृढ़ होती हुई कानून व्यवस्था पर बात की। तो आइए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। के लिए आदर्श है, जब आप व्यक्ति की पॉकेट में कुछ डालते हो, उसकी निर्भरता को आप बढ़ाते हो। कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून का शिकंजा देर सवेर आपके गर्दन तक पहुंचेगा, यदि अगर आपने गलत काम किया है। हमने पढ़ाई की थी, न बिजली थी, न घर में पानी था, न टॉयलेट था, न गैस कनेक्शन था, न रोड था, न स्कूल थी। पढ़ाई के लिए जाते थे 5-6 किलोमीटर साधारण पढ़ाई के लिए। आज का भारत दुनिया के लिए चुनौती है, दुनिया के लिए आदर्श है। जो लोग हमारे पर टिप्पणी करते थे कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, 90 में जब मैं केंद्र में मंत्री था, लोकसभा का सदस्य था, हमारा सोना हवाई जहाज से स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों को गिरवी रखा गया ताकि आर्थिक साख बची रहे, और आज जब देखते हैं तब 1 बिलियन और 2 बिलियन के बीच में, यूएस डॉलर के बीच में हमारा फॉरेन एक्सचेंज था, आज वो 600 बिलियन है। आज दुनिया की सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। दुनिया में भारत वो स्थान है जिसको कहते हैं अ फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। ऐसे भारत में डिजेबल्ड लोगों की यदि मदद नहीं करेंगे, हमारी सांस्कृतिक विरासत के अनुसार हैंड होल्डिंग नहीं करेंगे, तो हम हमारी सांस्कृतिक मापदंड पर खरे नहीं उतरेंगे। ये प्रयास छोटा नहीं है, इट इज नर्व सेंटर, इट इज एपी सेंटर। और जिन कॉरपोरेशन ने सहायता की है, आई स्ट्रॉन्गली कमेंड देम एंड आई कॉल अपॉन द कॉरपोरेट्स। टाइम हैज कम व्हेन दे मस्ट यूज देयर सीएसआर फंड्स टू एम्पावर पीपल। आज के दिन एक संस्कृति चल गई है कि लोगों को एम्पावर नहीं करते हैं,